डीडी यूपी को है परवाह, स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार, आपके सेहत से जुड़े सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत आपकी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके। हमारा आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक विषय है, जिसके बारे में लगभग हम सभी सोचते हैं कि अपने त्वचा की और अपने चेहरे की रौनक को कैसे बढ़ाया जाए। जी हाँ, हमारा आज का विषय है होम्योपैथ से रखें त्वचा को जवां। जी हाँ, यही हमारा आज का विषय है और इस विषय के बारे में विस्तृत से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमंग खन्ना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपनी त्वचा को सुंदर बनाना चाहते हैं, शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, त्वचा में निखार लाना चाहते हैं। त्वचा के गुण क्या हैं और इसमें झुर्रियां क्यों पड़ती हैं, इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट डॉक्टर के साथ। यह जो विषय है जो आपने उठाया चेहरे की झुर्रियों का, ये बहुत बड़ा विषय है। त्वचा व्यक्ति तभी जवान नहीं मानता है, जवान नहीं मानता है जब उसके झुर्रियां पड़ने लगें। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि झुर्रियां पड़ती क्यों हैं। उम्र बढ़ने पे पड़ती हैं, ये बात ठीक है, कम उम्र पे भी झुर्रियां पड़ती हैं, ये भी बात है। झुर्रियां आपके तब पड़ती हैं जब आपका जो ये टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होती, कोशिकाएं होती हैं स्किन की, ये आपस में प्रॉपरली बाइंड नहीं करती हैं। इनका जो बाइंड है वो लूज पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, और ये होता है कोलाजिन प्रोटीन से। कोलाजिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपके स्किन की कोशिकाओं को आपस में बांध के रखता है, और उम्र के साथ आपका जब यह कोलाजिन प्रोडक्शन कम होने लगता है स्किन में, तब जो है आपको झुर्रियां रूपी परेशानी आपके सामने आती है। इसके अन्य बहुत कारण होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा कारण है मॉइस्चराइजेशन, आपकी स्किन का मॉइस्चराइज कम होना। एक कारण है स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके झुर्रियां ज़्यादा तेज़ी से पड़ जाती हैं। तो जो त्वचा के गुण हैं, जो आपने गुण का विषय उठाया, त्वचा के गुण निर्भर करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई पर, आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो रही है, और ऑक्सीजन की सप्लाई असर डालती है आपके कोलाजन प्रोडक्शन में, जिसमें कि एक कॉपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब हमारे शरीर में कॉपर का फर्क पड़ता है, उस वक्त आपके कोलाजन प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाता और आप झुर्रियों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो यहीं पे मैं एक बात और बोल दूं, अगर आपको इन झुर्रियों से बचना है तो अपने पुराने आदिकाल में हमको जाना पड़ेगा और जो तांबे के बर्तन का इस्तेमाल है उसको लाना पड़ेगा, ताकि कॉपर आपके कोलाजन प्रोटीन को बांधे और कोलाजन प्रोटीन के होने से आपकी झुर्रियां होना बंद हो जाए। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है होम्योपैथ से रखें त्वचा को जवां, और मुझे मालूम है कि आप लोग काफी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अपनी त्वचा की उम्र को कैसे कम किया जाए। उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, जहां आप फोन के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने कोई सवाल पूछ सकते हैं, यानी हेलो डॉक्टर। डॉक्टर उमंग खन्ना से बात करने के लिए आप हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 0522-2288-698, 0522-220-5756, 0522-401-5988। आप हमसे जुड़े हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमें फोन करते वक्त अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लें। डॉक्टर साहब, जब तक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबको ही शरीर को सुंदर बनाना चाहता है, चेहरे की रौनक को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चेहरे पर जो डलनेस आती है, पीलापन आता है, इसके क्या कारण हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं? जी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है जब चेहरे पे। सर, मैं चाहूंगा एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लें, इसके बाद फिर हम इसको जारी रखेंगे। हेलो सर, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। जी सौरभ जी, सर मेरा प्रश्न है जी, आंखों के पास जो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं जी, क्या उसका होम्योपैथ में उचित उपचार उपलब्ध है? थैंक यू सर। सौरभ जी, निश्चित रूप से इसका
उपचार है। पहले बता दूं डार्क सर्किल पड़ते क्यों है। डार्क सर्किल आपकी आंखों के नीचे तब पड़ते हैं जब आपके आंख के नीचे की टिश्यू जो ये आइस का स्किन होती है थिन होने लगती है और यहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है जो ऑक्सीजन की कमी आती है, जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो यहाँ पे पिगमेंटेशन शुरू होके आपकी आंखों के काले घेरे आने लगते हैं। इसमें मिलेनिन पिगमेंट का भी रोल होता है, नींद का भी रोल होता है, कम नींद आने का। अब आपने दूसरी बात उठाई है, हो गए तो जाए कैसे, समस्या है तो उसका समाधान भी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको दो होम्योपैथिक दवाएँ याद रखनी है। पहली दवा जो है जो आपके डार्क सर्किल अराउंड आइस काले घेरे आंखों के किनारे, वह है साइक्लामेन 30 पावर में। साइक्लामेन दवा का नाम है, 30 उसकी पोटेंसी है। आप साइक्लामेन 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं और साथ में एसिडम एसिटिकम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसिडम एसिटिकम यह भी 30 पावर में। यह दो दवाएं आप दो दो बूंद दिन में 3 बार लेते रहें, आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके आंखों के काले घेरे या तो चले जाएंगे या फिर वो कम पड़ जाएंगे। सर हम अपने पहले वाले सवाल को जारी रखते हैं कि जो चेहरे पर पीलापन आता है, डलनेस आती है, इसके क्या कारण है और इससे बचने क्या उपाय है? इसका कारण साथियों, अगर आपके चेहरे पर डलनेस आ रही है तो इसका कारण यह है आपकी कहीं ना कहीं स्किन में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और आपके स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं वह जमा हो रहा है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं वह आपका शरीर उसको एक्सफोलिएट यानी दूर नहीं कर पा रहा है। जब वह मृत कोशिकाएं दूर नहीं करता है तो आपकी स्किन डल लगती है। ऑक्सीजन की कमी दूसरा फैक्टर है। और रही बात इसके उपाय की, तो इसके दो तरह से आप उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो अभी से आप अपने घर में कर सकते हैं और वह अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, खूब सारा पानी पिए। खूब पानी जब आप पीते हैं तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज होती है, आपकी स्किन की डलनेस खत्म होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं में त्वचा के बढ़ती है। और इसकी दूसरी विषय आता है दवा का। अगर आपकी स्किन डल है साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नंबर एक दवा है सरसा पेरेला। सरसा पेरेला, जी हाँ, सरसा पेरेला ऑफिसनेलिस। यह 30 पावर में आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपको चमक आ गई। और दूसरी दवा है बोविस्टा। बोविस्टा भी 30 पावर में आप दो दो बूंद ले लें, आप देखेंगे कि जो आपने जिस विषय से शुरू करा था कि बहुत कम उम्र के आप दिखने लगे, यह दो दवाएं आपको बहुत हेल्प करेंगी। पानी बहुत पीना है, स्किन का न्यूट्रिशन अच्छा। सर एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, हमसे बात करना चाहेंगे। हेलो 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 जी, बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि बचपना से लेके जवानी तक ऐसे कौन दिनचर्या शिकार करने चाहिए जिसे बुढ़ापा में समस्या ना है। क्योंकि क्या कहावत कहते हैं, बचपना खेल कर सोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वो समस्या ना आने पाए। मिश्रा जी बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे अच्छा समाधान है। तो दिनचर्या की जहाँ तक बात है, मैं फिर कहूँगा हमको अपने आदिकाल पुराने वक्त को ध्यान में रखना पड़ेगा। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा आपके शरीर में जाएगी और आपके शरीर में जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतनी आपकी स्किन चमकेगी। दूसरी बात हो गई स्किन को मॉइस्चराइज रखना, खूब पानी पियेंगे तो स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जब त्वचा आपकी मॉइस्चराइज रहेगी तो त्वचा पर चमक आएगी। तीसरी बात खान पान, जितना हो सके आपको लाइफ फूड्स खाने चाहिए, जिंदा खाने खाने चाहिए। अब लाइफ फूड्स क्या होते हैं? लाइफ फूड्स होते हैं वो जैसे स्प्राउट्स, जिनको आप जब काट देते हैं फसल से हटा देते हैं तब भी वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इसमें तरह तरह के चने आ गए, मूंगफली और इस तरह की चीज़ें आ गई जो स्प्राउट अंकुरित हो जाए, वो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए। सांस को गहरा लेना चाहिए। और साथ में एक होम्योपैथिक दवा मैं स्किन के लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि विषय स्किन का है, तो आपकी त्वचा चमकती रहे, बुढ़ापे तक चमकती रहे, इसके लिए एक दवा है सारे मर्जों की। और वह दवा वो भी है कि वक्त के साथ रंग ढल जाता है। बहुत दर्शक हमारे इंतजार कर रहे होंगे तो मैंने कहा मिश्रा जी के साथ ही इस विषय को जोड़ दूँ। वह है बर्बरिस एक्यूफोलियम। अच्छा, अगर आप बर्बरिस एक्यूफोलियम 20 बूंद सुबह शाम उसका मदर टिंचर आधे कप पानी में ले लेते हैं, निश्चित दवा है कि आपका रंग क्लियर होने लगेगा, साफ होने लगेगा और आप चमकने लगेंगे। और जब स्किन जवान रहेगी तो आप भी जवान दिखेंगे। सर कितने समय तक लेना है इन दवाओं को?
आप लगभग परवेश एक्यूफोलियम की बात करें तो 6 महीने तक ले सकते हैं। मदर टिंचर है, नुकसान नहीं करता, आपको फायदा करेगा। मतलब दवाई के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी है, संतुलित आहार बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से वो एक दिनचर्या जो एक देखिए होता है क्या, सत्य सबको पता होता है कि क्या दिनचर्या रखे जो अच्छा हो, लेकिन हम लोग आज जीवन के संघर्ष में उसको भूल जाते हैं, हमको उस तरफ आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आजकल ये भी देखा जा रहा है कि भागदौड़ बड़ी भरी जिंदगी है, इसमें लोग बड़े तनावग्रस्त रह रहे हैं। जब मानसिक तनाव किसी व्यक्ति पे होता है तो उसके चेहरे पे उसके शरीर पे फर्क पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसके बारे में दर्शकों के क्या? हाँ, निश्चित रूप से डालता है, क्योंकि इसका मैं आपको साइंस की तरफ ले जाता हूँ ताकि हमारे दर्शक इस बात से कन्विंस हो जाए। जी, आपका जो ब्रेन होता है वो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई उस पर होती है, और जब आप तनाव में रहते हैं, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका प्रॉपर ब्रेन का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए आप जब डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लिखते हैं जी। तो जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपको तनाव खत्म करते हैं, तनाव पैदा करते हैं आपके शरीर में, आपको इसको खत्म करना है तो तनाव मुक्त होना पड़ेगा। सर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हाँ। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, जी अपना सवाल पूछे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं तरह तरह का प्रोडक्ट यूज करती हैं, इससे कैसा लाभ या नुकसान होता है, फिलहाल सुंदरता के लिए क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बात उठाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, महिलाएं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, पुरुष जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या वास्तव में आपके मेहनत के पैसे की बर्बादी है। हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में हर वो औषधि मौजूद है जो हमारे चेहरे को चमका पाए, बस हम उसको जानते हुए भी उसको समझ नहीं पाते। तो मैं निवेदन करूंगा आप थोड़ा इस पे रिसर्च करें। मैं 3-4 बातें आपको बता भी देता हूं। जैसे अभी जाड़े का सीजन है, गाजर आ रही है जी। गाजर में इतना ज्यादा बीटा कैरोटीन, इतना ज्यादा पिगमेंट होता है कि आप गाजर खाएं आपका चेहरा लाल हो जाएगा जी। हमारे घर में गर्म मसाले होते हैं तरह तरह की, वो सब औषधियां हैं, आप उन सब का सेवन करें और अपने दिनचर्या को अच्छा रखें, आपका चेहरा यूं ही चमकेगा। और एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे मैं बात बताता हूँ, आपको एक कॉस्मेटिक मैं बता रहा हूँ जो कि आप जितने बाजार से कॉस्मेटिक लाते हैं उनसे बेहतर है, और वह है आप दही और शहद। आप दही और शहद मिला के चेहरे पे रोज एक बार लगा लीजिए, आप देखेंगे कि आपका चेहरे पे बहुत चमक आ जाएगी, और एंटी एजिंग आपके स्किन की रोकने का या सबसे कारगर नुस्खा साबित होगा दही और शहद। दही और शहद जी। और साथ में आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक तांबे का बर्तन ले लें, उसमें पानी रख लें, उसको 10 दिन उस पानी को रखा रहने दें, 10 दिन बाद वो पानी हथेली पे लेके उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल लें। जब विटामिन सी और कॉपर मिलता है, जो आपने बात उठाई कि कॉस्मेटिक्स, एक बाजार में एडवांस सेरम आता है विटामिन सी सेरम, अच्छा। 4000 का जो है वो 2 ml होता है जी। और वही उससे अच्छा सेरम आप थोड़ा सा तांबे का पानी और उसमें विटामिन सी डाल के, जब कॉपर और विटामिन सी मिलके आपके स्किन का जो कोलाजन प्रोटीन होता है उसको बाइंड कर देता है टिश्यूज को जी। और जब आपका टिश्यू बाइंड हो जाता है तो आपकी झुर्रियां भी चली जाती हैं, आपके लिए बेहतर कॉस्मेटिक का काम करता है, आपके चेहरे पे चमक लाता है जी। सर हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएं जिससे उनके चेहरे का जो निखार है वो बढ़ सके, चेहरे पे ग्लो आ सके और त्वचा सुंदर बन सके। मैं आपको एक पूरी श्रृंखला बताता हूं और उम्मीद करता हूं दर्शक के हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इसके बीच में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग दिन भर मरीज ही देखते हैं, डॉक्टर के पास और काम क्या है, तो मरीजों का दर्द मुझे मालूम है जी। सबसे पहला विषय आता है जो सबसे पहले मरीज के दिमाग में आता है, मेरा रंग गोरा हो जाए। देखिए जादू नहीं होगा, आप ब्लैक से व्हाइट नहीं हो जाओगे, लेकिन फियर टोन आपकी आ जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छी दवा बर्बेरिस एक्यूफोलियम है जो अभी हमने बताई जी, जी। आप 20 ड्रॉप्स 2 times बर्बेरिस एक्यूफोलियम दवा पी लें, आप देखेंगे कि आपके रंग साफ होने लगा। और साथ में एक दवा थी आयोडम, आयोडम 1 mg पावर यानी 1000 पावर में एक बूंद वीकली केवल ले लें, हफ्ते में एक बार आपका चेहरा चमकेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। दूसरा विषय आता है बहुत लोगों के एक्ने दाने पिंपल्स निकलते हैं, उसके बाद उनके स्पॉट छूट जाते हैं, तो जब उम्र का एक पड़ाव आता है तो वह चमकने लगते हैं। तो अगर आपके पिंपल्स के स्पॉट आ गए तो इसको दूर करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है कालीब्रोमेटम, कालीब्रोम हाँ, हम लोग शॉर्ट में इसको कालीब्रोम कहते हैं। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने के स्कार्स हैं, जो एक्ने के आपके दाग हैं पिंपल्स के, मुहासों के, वह चले गए। तीसरा विषय आता है गड्ढे,
चेहरे पे गड्ढे हो गए, उम्र के साथ गड्ढे पोर्स बढ़ने लगे, चेहरे पे रोम छिद्र बढ़ने लगे। तो अगर यह विषय हो कि आपके चेहरे पे रोम छिद्र बढ़ने लगे तो इसकी दवा है साइलिसिया, साइलिसिया 30 पावर में, दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके रोम छिद्र बंद हो गए, नॉर्मल हो गए और आप चमकने लगे। सर हम अपनी बात को जारी रखेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, सवाल पूछें। हाँ सर, शुभम यादव मेरा नाम है, साथ साथ हैं। जी शुभम जी, क्या सवाल है आपका? पिंपल्स शुभम भाई, पिंपल्स आपके हुआ था, मैं आपको बता दिया, काली ब्रोम 200 पावर में आप दवा लीजिए, दो दो बूंद दिन बाद 3 बार लीजिए, 3 महीने तक दवा को खाइए। दूरदर्शन और हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताएं कि खाने के कितने पहले या कितने समय बाद? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। कोई भी होम्योपैथिक दवा खाने के आधा घंटा पहले और बाद में कुछ ना खाएं तो बेहतर है। सर तीन आपने दवाएं बताई थी और क्या? हाँ, फिर एक चौथा विषय आता है, एक आदमी जब आईने के सामने होता है, मिरर के सामने होता है, तो कहता है चेहरा हमारा गंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा। तो अगर ये फीलिंग आए, आपको डर्टी लुक हो आपकी स्किन का, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की एक खुराक वीकली, हर हफ्ते एक बार केवल ले लें, आप देखेंगे जो आपका ये डर्टी लुक ऑफ द स्किन है वह ठीक हो गया। सल्फर का पेशेंट आमतौर पर नहाना नहीं पसंद करता, उसे खाने में मीठा बहुत पसंद होता है और थोड़ा सा वो लेजी होता है, इस तरह के सिम्टम हो तो सल्फर आपकी दवा है। और एक और विषय आता है उम्र के साथ कि चेहरा ग्रीसी हो गया, ग्रीसी मतलब चिकनाई ऐसी चेहरे पे दिखने लगी, वो चमक वाली चिकनाई नहीं, गंदी वाली चिकनाई, और दाने निकलने लगे। तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सोराइनम। आप सोरानियम 1 mg की एक खुराक वीकली ले लें, आपका जो ग्रीसी डर्टी लुक है स्किन का यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर एक और विषय आता है दर्शकों के सामने कि झाई आ गई, उम्र के साथ झाई पड़ गई। झाई दो स्थितियों में पड़ जाती है हमारी महिलाओं को, जब वह पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं और प्रेगनेंसी को अटेन करती हैं, जब उनके डिलीवरी के बाद उनके यहाँ पे आ जाते जिसको क्लियस्मा कहते हैं, जब यह आपके आ जाता है मिलेज्मा, तब जो है आपके आप मेंटली परेशान होती है और बहुत मरीजों का फोन आता है, कहते हैं डॉक्टर साहब उसके बाद ऐसा हुआ। तो झाई को दूर करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है सीपिया। सीपिया अगर हमारी कोई माताएं बहनें या पुरुष भी जिनके झाई चेहरे पे हो गई है तो उनके लिए बहुत कारगर दवा सीपिया है। वह सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, और ये भी वो मान लें उनका लिवर थोड़ा डीरेंज है, अपने लिवर को ठीक रखने की कोशिश करें, और वह आप कर सकते हैं चिकनाई का सेवन कम करके। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, बात करना चाहेंगे उनसे। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल रखें। हमारा नाम इश्मा है, मैं बनारस से बोल रही हूँ। जी इश्मा जी, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे चेहरे पर बहुत ढेर सारे काले काले दाना निकले, मार्क निकले हैं। सर इश्मा जी हैं बनारस जी। जी ये जो आप बताए हैं इसका, हाँ चेहरे पे जो मास काले काले आपको मोल सा रहे हैं मैं समझता हूँ, इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रेशमा जी लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम पूरा नाम है, आप लाइको 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि ये काले काले सारे जो आपके ये मास ऐसे धब्बे निकले हुए हैं यहाँ खत्म हो जाएंगे और आपका जो मोल्स हैं यहाँ बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और दूसरी दवा, अगर ये आपके काले धब्बे वार्ट्स के फॉर्म में हैं, अगर मैं जैसा समझ पा रहा हूँ मस्सों के फॉर्म में, तो उसकी दवा थूजा है। आप थूजा और कॉस्टिकम यह दो दवा 200 पावर में ले सकते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगा। कितनी बार से लेना है इसको? दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें और 3 महीने तक ले लें, आपको इनसे लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक बड़ी रोचक बात सुनी है कि आपके पास 1 रुपए वाला एक जादुई नुस्खा है। अच्छा सर, मैं कॉलर जुड़ रहा है, उनसे बात करके फिर हम इस बात को जारी रखेंगे। हेलो हेलो जी जी मैम नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हमारा नाम जयदेवी मिश्रा है। जी जयदेवी जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि हम धूप में कितनी देर बैठें तो हमारी सुंदरता बनी रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि धूप में जो अल्ट्रावायलेट लेज होती है वो आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला एलिमेंट भी है, और धूप ही है जो एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का इस धरती पे सोर्स है, और विटामिन डी आपके शरीर में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप धूप में कितनी देर बैठे, आप धूप में आप सुबह की जो धूप होती है उसमें आप आधा घंटा
25 मिनट करीब बैठ लें, इससे ज़्यादा ना बैठें, और वहाँ भी सुबह की धूप में बैठें। और यहाँ पर मैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप में, भाई कोई आदमी जिसको धूप में काम है, आजकल के बच्चे सड़क सड़क जो है सामान बेचते हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वो दिन भर उनको धूप में जाना पड़ता है, तो अगर किसी के सनबर्न हो गया है, धूप से आपके चेहरे पे जो है पिगमेंटेशन हो गया, मेलानिन पिगमेंट बन के दाग धब्बे पड़ गए धूप से, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है ग्लोनाइन। अब ग्लोनाइन 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आपके धूप से होने वाला समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं फिर कहूँगा, धूप में आप 20 मिनट जरूर बैठे। और एक जानकारी और लेते जाएं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, UVA अल्ट्रावायलेट ए वह जो है आपसे संबंधित नहीं होती, अल्ट्रावायलेट बी जो होती है वह आपके स्किन को नुकसान पहुँचते हैं, तो आपको अपने को UVB से बचाना है। और आपको विटामिन सी का सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स नींबू होता है, संतरा होता है, कुदरत इस तरह की बहुत चीज़ें गर्मियों में उत्पन्न करती है, प्रकृति उत्पन्न करती है, आप उनका सेवन करें जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पास एक कोई जादुई नुस्खा है जो एक रुपए में आप बताते हैं, जिसका पालन करने से जो त्वचा की जो क्वालिटी है वो 18 साल की उम्र की त्वचा जैसी हो जाती है, वो एक रुपए का जादुई नुस्खा क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छी रिसर्च करी आपने हमारे विषय में, आपका धन्यवाद। देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे सारे दर्शकों के दिमाग मन के कौतूहल को शांत करेगी। पहला काम, अगर आपकी स्किन को सॉफ्ट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर जो हमने लाखों लोगों पे उसको दिया है, वह है दही और शहद। अच्छा, आप दही और शहद, हनी और मिल्क, और गाय के अगर उसका दूध का दही हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो दही नॉर्मल हो, दही और शहद को मिला के जब आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपकी स्किन सुबह लगाने पे पूरे दिन मॉइस्चराइज रहती है। और दूसरी बात जो आपने कही, जो आप जानना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह स्किन को कॉपर एलिमेंट देना है विटामिन सी के साथ। अब बाजार में इसका बहुत महंगा उपाय है, आप घर में ताम्र बर्तन ले, तांबे के बर्तन में आप पानी स्टोर कर ले, 10 दिन बाद वो पानी आप अपनी हथेली पे ले, उसमें थोड़ा सा नींबू डालें। जिन हमारे भाई बहनों को नींबू से थोड़ी एलर्जी है, छरछराता है, वो संतरे का रस डाल सकते हैं, उसको केवल आप चेहरे पे 5 मिनट लगा लें। 5 मिनट के अंदर जो कॉपर और विटामिन सी यह दोनों मिलके जो कोलाजन को बाइंड कर देंगे, तो आपका चेहरा बिल्कुल टाइट स्किन हो जाएगी, जो शैगी स्किन है, लूज स्किन है, वह खत्म हो जाएगी। और साथ में मैं यहाँ पे झुर्रियों की दवा भी बताना चाहूँगा, एब्रोटेनम। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं तो उसको दूर करने की सिंगल एक दवा, बढ़िया दवा है एब्रोटेनम। आप एब्रोटेनम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार 3 महीने तक ले लें, आप देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट हो गई और आप चमकने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं या नशे का सेवन करते हैं, उससे त्वचा पे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे? निश्चित रूप से पड़ते हैं, आपके त्वचा पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, आपके शरीर के अंदर के सिस्टम पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, और आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन आपको एम्स या PGI जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए कहना यही है, अगर आपके बॉडी को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ यानी ऑक्सीजनेटेड रखना है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजनेटेड रखेंगे तो इसकी ग्लो करेगी। आज हम आप जिस विषय के लिए एक दूसरे के सामने बैठे, आप टीवी सेट के सामने बैठे, मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, वो विषय ही ये है। तो आपको ऑक्सीजनेशन स्किन का करना है, और अगर आप धूम्रपान करेंगे तो आपका स्किन का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, और आप इसके घातक परिणाम आने वाले भविष्य में देखेंगे। तो मैं विनती करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि धूम्रपान से आप बचें, अपने शरीर को ख़त्म होने से बचाएं, परिवार को ख़त्म होने से बचाएं, और इस देश को भी कमज़ोर होने से बचाएं। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो हमें जानकारियां दी उनका आप अमल करें और उनका लाभ उठाएं। चलिए अब कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में चलते हैं, यानी हेल्थ टिप्स। जी नमस्कार एक बार फिर हमारे साथियों का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। तो बचाव के लिए, अपनी स्किन को जमा रखने के लिए आप पानी बहुत पिए। नंबर एक बात है मॉइस्चराइज, क्योंकि आज के वक्त में हम लोग जीवन की भागदौड़ में पानी पीना भूल गए हैं। और एक चीज़ यहाँ और बताना चाहेंगे, पानी को घूट घूट करके पिए,
ये जो पानी निगल जाने की आदत है या खाना पानी के साथ निगल जाने की आदत है, ये हमें छोड़नी पड़ेगी। जब आप पानी घूट घूट में पीते हैं तो फिर यहाँ पे जो आपके लिए थायराइड ग्रंथि होती है या एक्टिव हो जाती है, और जब यह एक्टिव हो जाती है तो आपके बॉडी में पानी का एसिमिलेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा टिप जो त्वचा को जवा रखने का है सबसे बेहतर मेरी नज़र में, वह है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स यानी लाइव फूड। आप अंकुरित चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिंदा खाने ज़्यादा खाएं, या जो पाश्चात्य संस्कृति है बर्गर वगैरह, इससे आप बचें, क्योंकि ये डेड फूड है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती चली जाती है और यह जंक फूड आपके शरीर में जमा होकर आपको नुकसान पहुँचाता है। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। सुबह दिनचर्या आती है, अगर आप दिनचर्या अपनी अच्छी रखते हैं तो आप ऑक्सीजन मैक्सिमम इनहेल करेंगे। भारत सरकार द्वारा योग पे इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तमाम ऋषि मुनि भी इसमें लगे हैं। आप योग की तरफ जाएं, गहरी सांसें लें। जब आप गहरी सांसें लेंगे, प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपके बॉडी का परफेक्ट ऑक्सीजनेशन होगा, जो कि आपको आज नहीं, जो अभी इस श्रृंखला में शुभम जी ने सवाल पूछा था, आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरेगा जैसी आपकी जवानी गुजरी। चौथी बात साथियों आती है, नमक और शक्कर का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो कहा जाता है कि आप ऐसे ही इतने स्वीट हैं, आप ऐसे ही इतने मीठे हैं, और मिठास ऊपर से अपने में ना डालें। तो आप जो है खूब जो है शक्कर को बहुत कम रखें और नमक को कम रखें, और हो सके तो काले नमक रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। वह सबसे अच्छा नमक है जो आपकी स्किन को भी पोषण देगा और आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो आप अपनी स्किन को रख सकते हैं, वह है दिनचर्या, स्लीप। समय पे सोए, समय पे उठे। तो दर्शकों, बढ़ती उम्र के कारण त्वचा पे होने वाले असर को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अपनी अच्छी सोच, संतुलित आहार और होम्योपैथिक दवाओं से उसे टाला जरूर जा सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको स्वस्थ बनाने का जो ये सफर है जारी रहेगा, क्योंकि DDUP को है परवाह स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार।